यीहा! मेरी स्वॉर्ड से बच कर रहना और मेरा ननचाक, एक एक करके आओ। हाँ, ये जगह अच्छी है। इसे क्या हुआ? रॉक, तुम भी? ओह, इससे मैं पक्का पहले जैसी बन जाऊंगी। अपना समय लो। अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, हमें ये चाहिए। नहीं नहीं, मेरा पिज्जा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फ्यू, बच गया। अब हमें पता है कि लड़कियों को वापस कैसे लाना है। हमें बस निंजा टर्टल सेट को इकट्ठा करना होगा, लेकिन अभी भी हमें शेडर से निपटना होगा और इस बीम को मत। हमें फिर क्या करना चाहिए? शांत हो जाओ, हमारे पास एक प्लान है। सबसे पहले हम मास्क लेंगे, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। मेरे पास डॉन्टेलो का फैब्रिक है, अब मैं तुम्हें असली स्किल्स दिखाऊंगा। किया पिज्जा की तरह। पहले डो को रोल करे। हाँ, हमें आयरन की भी जरूरत नहीं है। तैयार है, फिर इसे मुझ पर छोड़ दो। किया, लो पकड़ो, बहुत अच्छा मास्क है, चलो पहन कर देखो। कूल, शुक्रिया। मेरी बारी, मेरे लिए भी एक बना दो प्लीज। ओह, हे रॉफ, क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? टोरो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लियो, अहां, चेहरे पर क्या है? मेरा मास्क, ये वापस आ गया। वुहू, वाओ, लेवल अप, मेरे लिए भी बहुत बढ़िया। जल्दी से अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया बीम, लेकिन सारे टर्टल्स को हराना अभी बाकी है। ओ, मेरा स्क्रैचिंग पोस्ट, काफी समय से देखा नहीं है। मुझे और कुछ भी शांत नहीं कर सकता। एक सेकंड रुको, मैं एक विलेन हूँ, मैं बुरा हूँ। ज्यादा प्यारी बातें नहीं करनी। हमारे पास यहाँ क्या है? तुम कैसे हो? ओह श्रेडर, हमने तुम्हें बहुत याद किया। हमारे पास वापस आ जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा हनी, लेकिन मुझे टर्टल से जीतना होगा। वैसे वो कहाँ है? ये है स्केयरक्रो। चलो भी राफी, दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। चलो भी, इसे मारो, तुम ये कर सकती हो। नहीं, मुझे इसके लिए पछतावा हो रहा है। विलन है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। किया, माइकी को भूख लगी है, अच्छा होगा हम दूर रहे। मेरे पंच से कोई नहीं बच सकता, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पंच, ओह बहुत जोर से मारा, बहुत जोर से लगी है, मुझे थोड़ा सांस लेने दो। राफ कहाँ है? वो वहाँ है। क्या उसने सच में निंजा टेक्निक का इस्तेमाल किया? हे राफ, सरप्राइज टर्टल। किया, ओह वाओ, एक और लेवल। हे राफ, मेरी मदद करो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे माफ करना, मैं नहीं कर सकती, लंच टाइम हो गया है। क्वात्रो माजी, तुम नहीं समझोगे। क्या पिज्जा, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो। वो कहाँ है? हे डॉनी, स्वॉर्ड्स को मत छुओ। अगर तुमसे सबर नहीं हो रहा तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे साथ आओ फुल स्पीड से। हाँ, मेरे लिए रुको, देखो ये शुरिकेंस हैं। मेरे बाद रिपीट करना। किया, लग गया। अब तुम? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, बस निशाना लगाना और फेंक देना। समझ गई। ओह, नीचे हो जाओ। ओ नहीं, अच्छा शॉट मारा, बधाई हो। ओ नहीं, बेचारा स्प्लेंटर, हमने ये क्या किया? जल्दी चलो। सेंसेई, क्या तुम ठीक हो? डॉनी, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अभी आती हूँ। तुम कहाँ चली गई? ओह डॉनी, तुम क्या कर रही हो? आउच, मेरी पीठ। उठो, क्या तुम्हें चोट लगी है? ठीक है, सिर्फ मेरे घुटने पे चोट लगी है, ये सब श्रेडर की वजह से हुआ है। प्लीज चिल्लाओ मत। फ्यू, ठीक है। आ, आ, मेरे कान। ओ, ये शोर कैसा है? आ, मुझे लगा मैं बहरी हो जाऊंगी। ये तुम्हारे घुटनों को बचा कर रखेंगे इस तरह से। वाओ, बढ़िया आइडिया, शुक्रिया। कोई बात नहीं, वैसे बहुत बढ़िया। डॉनी, हम बस पहुंच ही गए हैं। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है। एक सेकंड रुको, राफी, तुम्हारे पास भी नी पैड्स नहीं हैं? इन्हें पहन लो, ये बहुत बढ़िया आइडिया है, अब तुम एक आर्मर टर्टल बन गए हो। ये नया लेवल, तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। हम जल्द ही श्रेडर पर हमला करेंगे, मुझे पता है वो कहाँ है। बढ़िया, चलो चलते हैं। क्या ये सही रास्ता है? देखो,
टर्टल्स बीम की पावर नहीं झेल पाएंगे। क्या तुम तैयार हो रॉफी? चलो काम पर लगे। तुम फिर से? श्रेडर, हम बदला लेना चाहते हैं। हे लियो, क्या माइकी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बिजी हूँ? मैं तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा हूँ। हे तुम क्या कर रही हो? तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। उठो और लड़ो। जो जो मैंने तुम्हें सिखाया था वो सब याद करो। ठीक है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। ये खाकर अब कैसा लगा बच्चों? आउच, लग गई। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे इस पर गर्व है। रोने का समय नहीं है, हमें एक जरूरी जंग लड़नी है। श्रेडर, तुम्हारे आखिरी शब्द, वॉकिंग। वाओ, ये क्या है? मुझे मत खाओ। ठीक है, प्लान बी। क्या हम घर आ गए? तुम कैसे हो? सब कुछ ठीक है? हे माइकी, रुको, पहला लेवल, मेरा सेव। हमें म्यूटेजन मिल गया है। देखो, अब हमें लड़कियों के टर्टल शेल्स वापस मिल जाएंगे। जल्दी डालो इस तरह से। ये रही हमारी लड़कियाँ, पहले जैसी हो गई। ओह, मेरे शेल्स वापस आ गए हैं और मेरा बो स्टाफ, ये काम कर गया। वुहू, मेरे पास एक आइडिया है। कूल, चलो चलते हैं। तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो। हमें जाने दो बदमाश। वाओ, ये क्या हुआ? हम बच गए? बिल्कुल नहीं। आहा, पकड़ लिया। भागो, मैं इसे रोकूंगी। मैं आ गया। ये लो श्रेडर। आउच, लियो तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैं जीत गया। उप्स, ये अजीब था। ओ, पिज्जा। शुक्रिया, मेरा पसंदीदा, बहुत स्वादिष्ट। फ्यू, यही वो जगह है। देखो श्रेडर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास पावर्स होने के बावजूद भी हम उसे नहीं निपट सकते। क्या कुछ ऐसा नहीं है जो हम कर सके? हम बहुत कमजोर हैं। मेरे ख्याल से तुम सही कह रही हो, लेकिन हम फिर भी लड़ सकते हैं इंटेंस वर्कआउट से। बस हो गया श्रेडर, हॉस्पिटल का एक रूम बुक करने का समय आ गया है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जल्द ही तुम धूल बन जाओगे। आहा, तुम्हारी क्या परेशानी है? माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या बस इतना ही? इतना काफी नहीं है, ये गलत है। लियो, यहाँ तक कि मेरे ननचेक्स भी काम नहीं कर रहे। हमें क्या करना चाहिए? हम कैसे जीतेंगे? हमें इसकी जरूरत है, पावरफुल वेपन्स। तुम्हें क्या लगता है ये शेडर के खिलाफ मदद करेगा? हाँ, मुझे यकीन है। मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। हेलो, हमें पिज्जा और डायनामाइट चाहिए। छुप जाओ, ये जरूर डिलीवरी होगी। रिलैक्स, ध्यान से, ये फट सकता है। पक्का? रुक जाओ, ये हमारे टुकड़े कर देगा। जरा लेवल देखो, तुम सही कह रहे हो। अब हमारे पास एक मौका है। हाई फाइव। ओह, मेरा पेट। मुझे सलामी पिज्जा खाने से कोई एतराज नहीं है। ठीक है, वापस जाने का समय हो गया है। बिल्कुल नहीं, लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है? वो सब चली गई हैं। जब तक मुझे पिज्जा नहीं मिल जाता, तब तक मैं हिलूंगा नहीं। बोलना भी मत, इस सीक्रेट टेक्निक से ये बहुत आसान हो जाएगा। ये रहे, परफेक्ट। चलो काम पर लगे। सबसे पहले टोमेटो सॉस बंद करें और एक लेयर ऐड करें। और सलामी, इतना बेहतर होगा। अब थोड़ा चीज, सबसे जरूरी चीज। ओ, ये एक मास्टरपीस होगा। बहुत स्वादिष्ट, लगभग तैयार है। मेरा प्यारा। हे लियो, तुम पिज्जा खाना चाहोगी? ठीक है, मैं और खा लेता हूँ। ओम नोम नोम नोम, इतना काफी है, मेरा पेट भर गया। हाँ माइकी, मदद करो, मैं उठ नहीं पा रहा। फिर से? ये स्मेल कैसी है? ये तो पिज्जा की है। माइक, क्या सच में एक भी पीस नहीं बचा? माफ करना, मैं रुक नहीं पाया। उठो, तुम गुस्सा नहीं हो, है ना? लियो, आखिरकार हम पहुंच गए। मुझे दोबारा भूख लग रही है, मुझे इसी की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ लियो को कोई एतराज नहीं होगा। सलामी बच नहीं सकता टाइफून के ब्लेड्स का बंगा। परफेक्ट, और बहुत स्वादिष्ट। हे, क्या ये मेरा ब्लेड है? ये खाने में क्यों पड़ा है? माइकी, ओह, बहुत हुआ। माइकल एंजलो, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, प्लीज मत करो।
हाँ लूजर, हाँ प्लीज रुक जाओ, चलो पिज्जा ही लो। हम तुमसे जल्द ही निपटेंगे और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। ओह तो तुम यहाँ हो? मैं हिल भी नहीं सकता, मेरा पेट भरा है। फ्यू, ये बहुत मुश्किल है। हे माइक, क्या ये तुम्हारी बेल्ट है? रुको, लड़कियों को भी बेल्ट्स की जरूरत है। मुझे पता है क्या काम आएगा, मेरे साथ आओ। मैंने उसे कहीं देखा था, मुझे लगता है यहाँ है। आहा, ये बहुत ज्यादा धूल है। अप्रैल, बैट जो हमें चाहिए वो अभी भी नहीं मिला। आउच, मास्टर स्प्लिंटर, क्यों? चोट लग गई। कहाँ है वो? हमारी बचपन की फोटो? अभी नहीं, आखिरकार जो हमें चाहिए था। पकड़ो, एक ब्लैक बेल्ट। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने अभी पूरा नहीं किया है। अब पर्सनलाइज्ड बकल्स बनाने का समय है। हम फॉर्मी रेन से लेटर्स को काटेंगे। डी का मतलब डोंट टेलो। अब चलो बकल्स की तरफ चलते हैं। पार्ट्स को साथ में चिपकाने के लिए हम ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट। अब कॉन्टोर लगाएंगे। हो गया, चलो अब इन्हें बेल्ट से जोड़े। बहुत बढ़िया। गर्ल्स यहाँ आओ, तुम्हें डायनामाइट याद है ना? मैं इसे लड़ाई में ले जाऊंगा। शेडर मुसीबत में पड़ने वाली है। ठीक है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ वो कहाँ है। ये लो तुम्हारी बेल्ट्स, तुम्हें इस बार नहीं जाने दूंगा। बेवकूफ टर्टल्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे चकमा देने की कोशिश करो। अगर तुम इस जगह को उड़ाना नहीं चाहते तो हार मान लो। हाँ माइक, लाइटर को क्या हुआ? जलाओ, तुम्हारी किस्मत खराब है। टर्टल्स इसे काम करना चाहिए। रुको, क्या तुम सीरियस हो? ठीक है, एक मिनट रुको, मेरे पास एक लाइटर ऐप है। अब तुम खुश हो? तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। इसे मुझे दो। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। गुड बाय, इतनी जल्दी नहीं। आयरन के टुकड़े, इसे पकड़ो। वाओ, ये कूल था। ओह मेरा सिर। वुहू, हम जीत गए। शाबाश डॉनी, आखिरकार हमने कर दिखाया। ये क्या था? तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। तुम्हारी आखिरी इच्छा, इससे बचो। सभी छुप जाओ। खुद को बचाओ। पैथेटिक। और दोबारा। ओह हाँ। हे, तुमने हमारे साथ ये क्या किया? अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। सीवर्स में वापस जाओ लूजर्स। ये क्या था? मैं तुम्हारे इविल प्लान्स रोकने आ गया हूँ। एगमैन, सोनिक तुम मेरे हीरो हो। ओह नहीं, लेकिन मुझे डर है कि तुमने बहुत देर कर दी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या चल रहा है? ओप्स, तो यहाँ देर किसने कर दी? ओह तुम, मतलब ही हेजहॉग। मुझे पकड़ने की कोशिश करो। संभल कर, ये कैसा रहेगा? इस बारे में आप क्या कहेंगे? एगमैन प्लीज ये मत करना, अपनी जिंदगी को गुड बाय बोल दो। क्या? ये बबल्स बहुत प्यारे हैं। मैं मॉमी की कैट जैसा लग रहा हूँ। क्या तुम मेरे बारे में भूल गए? ओह माफ करना एमी रॉस, अब मेरी बारी है। हाँ ये बबल पॉपिंग नहीं है, रिंग की पावर। मैं इसका ही इंतजार कर रहा था। तुम फंस गए सोनिक, उसके पास बहुत पावर है। ओह ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या है? एक गोल्डन रिंग। सोनिक प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एमिरोस, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। लगता है हमारा हीरो उठ गया है, जाने का समय आ गया है। सोनिक जल्दी, प्रोफेसर ने पोर्टल खोल लिया है, मदद करो। रुक जाओ, बाय बाय सोनिक, हमें जाना होगा। एमी नहीं, मुझे देर हो गई। मैं अब कभी एमिरोस को नहीं ढूंढ पाऊंगा। और वो क्या है? मेरी मनपसंद जगह, शायद मैं उसे यहाँ ढूंढ सकता हूँ। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चिंता मत करो आमी, मैं तुम्हें बचाने का रास्ता निकाल लूंगा। मुझे जाने दो अभी, लगता है ये ठीक है। हाँ वो इस जगह पे बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएगा। चलो, वाओ बहुत बढ़िया विलन। ठीक है, काफी है, दूर हो जाओ, तुम मुसीबत में हो। ये लो। तो क्या तुम्हें ये पसंद आया?
ये बहुत नर्वस है और उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शायद अब तुमसे बात करना अच्छा होगा। ठीक है आमी, हो गया। एक्सक्यूज मी, मैं विश्वास नहीं कर सकती। पीछे हटो, दरवाजा इस तरह नहीं खुलेगा, आपको दूसरी तरफ से खोलना होगा। सच में बहुत बढ़िया, चलो अब अंदर जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सोनिक उसे यहाँ ढूंढ ना पाए। ये बढ़िया है, मैं ब्रिलियंट हूँ। लगता है वो यही जगह है, चलो देखते हैं। हाँ ये ठीक है, पर आमी कहाँ है? क्या बहुत ही आसान, साइन को उसका नाम कैसे पता? मुझे देखना होगा। हाँ मैंने उसे बेवकूफ बना दिया, उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये जाल है। आमी, आमी, हे देखो, हे तुम वहीं खड़े रहो, मैं बस अपनी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, शूट मत करो। फिर बाल बाल बचाओ। हे ध्यान से, तुम यहाँ कैसे आए? मैं अपनी दोस्त को ढूंढ रहा था, पर लगता है वो यहाँ नहीं है। मैं रुक नहीं सकता, उसे क्या हुआ है? ठीक है तो ये जगह है। आमी क्या तुम यहाँ हो? ये मैप में आखिरी जगह है। दोस्तों मदद करो, कमेंट में लिखो कि एगमैन आमी रॉस को कहाँ छुपा सकता है, मैं ये आपके बिना नहीं कर सकता। रुको, ये क्या है? बहुत अजीब है, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि आमी यहाँ नहीं है और ये सारे बुलेट होल्स? आमी रॉस, उस पागल ने तुम्हारे साथ क्या किया? रुको, लगता है मुझे कुछ मिला है। क्या एक मजाक? क्या वो मेरा मजाक बना रहा है? एगमैन बच नहीं पाएगा, पागल सोनिक। ओह मैं इसे बच जाऊंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, तो फिर मैं रोकूंगी। ये लो। शुक्रिया आमी, मुझे यही चाहिए था। हाँ बढ़िया पीनट्स है, मुझे ये प्रोफेसर नहीं पसंद। लंच खत्म हो गया है, अब वापस कहाँ पर लगते हैं? तुम कहाँ जा रही हो? वापस आओ, इस चीज को मेरे सिर से हटाओ। सिर्फ मशीन चलाने के बाद क्या हो रहा है? ब्रर, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। बढ़िया, इसका मतलब सब कुछ काम कर रहा है। फ्लावर, क्या तुमने मुझे याद किया? डैडी को ये प्यारा दोस्त याद है। अच्छा प्लीज, कोई पॉलन नहीं। ठीक है मेरा प्लान पूरा होने वाला है। जब सब कुछ तैयार है तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, बस थोड़ा सा काम करना बाकी है। तुम नहीं करोगे। क्या हो रहा है? लगता है आमी रॉस की चार्जिंग खत्म हो गई है। नहीं नहीं नहीं, ये प्लान बर्बाद कर रहा है। अच्छी बात है कि मेरे पास प्लान भी है, सोनिक एक अच्छा सोर्स होगा, मुझे सिर्फ उसे यहाँ लाने की जरूरत है। ओ, वो प्रोफेसर, आमी कहाँ है? मूछो वाले पागल, ये क्या है? ओ नहीं, ये वो है। सोनिक, आमी रॉस मेरे साथ है, तुम्हें सच में जल्दी आना होगा, मुझे उसे बचाना होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे यकीन है वो यहाँ जल्दी आ जाएगा। ओह बिल्कुल, मुझे एक बेड की जरूरत है। बढ़िया जाल, चलो मेरे साथ आओ, देखो तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ हैं। अब वो नहीं भाग पाएंगे। मैं कहाँ हूँ? वो क्या कर रहा है? ठीक है मुझे सिर्फ सोनिक का इंतजार करना है, क्या वो अभी तक नहीं आया? आमी तुम ठीक हो? सोनिक तुम आ गए? हाँ सच की घड़ी आ गई है। ओह लगता है ये हो गया, चलो देखते हैं। क्या वो कहाँ है? क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? अभी नहीं, शायद ये सोनिक। अब तुम गए, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं हार गया। प्लीज मुझ पर दया करो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आमी तुम्हारे पास मौका था, मैं यहाँ हूँ, मुझे लगा था तुम नहीं आ रहे, बहुत जल्दी जश्न मना रहे हैं बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ। सोनिक पीछे देखो, पकड़ लिया। नहीं हार मत मानो सोनिक, बहुत देर हो गई, उसकी पावर पहले से ही मेरे पास है। एक रिंग, अपने आप को बचाओ सोनिक। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा क्रिस्टल पूरा चार्ज है। हो गया,
बढ़िया है, हमें सिर्फ जरूरत है। आ, ये क्या था? ठीक है, घबराओ मत, लगता है ये सांस नहीं ले रहा। आ, तुम बहुत थक गए हो, मुझे पता है तुम्हारी मदद कौन कर सकता है, इसमें बहुत पावरफुल चार्ज है। हे, क्या तुम ध्यान से कर सकती हो? बस 2%, ये काफी नहीं है। खैर, तुम्हें पता है एक और रास्ता है। क्लियर 220, क्लियर। ओह डॉक्टर, क्या ये काम किया? ये अजीब है, कोई तो रास्ता होगा। मुझे पता है, एनर्जी ड्रिंक, ट्रोमट्रिक एनर्जी, सबसे बढ़िया रेमेडी, शुक्रिया। इसे काम करना चाहिए, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, बढ़िया है। और ये सर्विस बिल है 20,000। देखता हूँ मेरे पास कितने हैं। क्या आप रिंग्स लेती हैं? क्या क्या आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं? मैं ले लूंगी, बढ़िया है। और एमी रॉस कैसी है? मुझे उसे बचाना होगा। अब देखना एगमैन, मैं आ रहा हूँ। क्या क्या उसने मुझे छोड़ दिया? मैं आ गया, दूसरे राउंड के लिए तैयार हो। हे, वो कहाँ गया? एमी, मैं यहाँ हूँ। और जाओ, प्रोग्राम एक्टिव हो गया। एमी, ये मैं हूँ, सोनिक इंट्रूडर। वो इसे क्या हुआ? टारगेटिंग सिस्टम। नहीं नहीं, मैं दोस्त हूँ। एमी, हैमर नीचे रखो, बात करते हैं। टारगेट डिटेक्टेड, इंट्रूडर का नाश करना है, रोकने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज नहीं, टारगेट को ढूंढ रही हूँ। फिर ये बच गया। स्कैनिंग, ये जरूर डॉक्टर एगमैन की ट्रिक है। एमी, मैं समझा नहीं। एमी, हे, ये एगमैन का रोबोट है, उसने इसे काम करने के लिए हमारी एनर्जी का इस्तेमाल किया, हमें उसे रोकना होगा। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। हम इसे बंद कैसे कर सकते हैं? पानी, शायद ये काम करे। हे, टारगेट डिटेक्टेड। हे, आयरन पीस, तुम्हें ठंडा होना चाहिए। एरर, एरर, शायद अब हम सेफ हैं। अब जरूर उसे चेकअप की जरूरत है, हम एक जैसे दिखते हैं, ये कितना डरावना है। हे सोनिक, देखो मुझे क्या मिला। ये क्या है? हमें पता लगाना होगा, ध्यान से चलो देखें। सोनिक, ये तुम हो, क्या तुम भी मेरे जैसे सोच रहे हो? उसे वाटर प्रूफिंग पे काम करना चाहिए। ओ, लगता है हम मुसीबत में हैं। प्रोफेसर आ गया है, जल्दी हमें छुपना होगा। जल्दी, मैं तैयार हूँ। हश, वो आ गया। खैर खैर खैर, चलो अपने बीम को कैलिब्रेट करें। बढ़िया है, और थोड़ा यहाँ से भी, बढ़िया। ठीक है, दूसरी आमी, अब मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा और हमें कोई नहीं रोक सकता। शुरू करें। बहुत सारी पावर है। हाँ, मुझे पता था ये काम करेगा। लगता है उसका ध्यान कहीं और है। रुक जाओ आमी, चलो अब उसे पकड़ो। आखिरकार ये कौन है? क्या तुम कैसे बच गए? हे, शायद ये बहुत तेज था। नहीं, मुझे नहीं लगता। चलो चले, वो हेजहॉग फिर से आ गया। ओह, मुझे पसंद नहीं है। वो हमने कर लिया, हमारी टीम बढ़िया है। हाँ, और हमारे पास क्रिस्टल भी है, इसे मुझे दो, हमें इसे छुटकारा पाना होगा हमेशा के लिए। ये किससे बना है? चलो, ये काम नहीं कर रहा, मुझे कोशिश करने दो। अपने मन को साफ करो, पानी की तरह। किया, आउच, दर्द हो रहा है। ठीक है, हम रुक नहीं सकते, मैं इसे काटने की कोशिश करूंगा। टर्बो मोड चालू है, इसे संभालना मुश्किल है। चलो, ओह नहीं, लगता है इससे नहीं हुआ। हमें क्या करना चाहिए? नॉक नॉक, क्या आपने पिज्जा ऑर्डर किया है? एमी और सोनिक के लिए पेपरोनी। क्या हम पहले मिले हैं? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पिज्जा लाया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो खाते हैं। इस एडवेंचर से मुझे भूख लगने लगी है, मजे करो। मैं टिप की बजाय ये लूंगा, बहुत स्वादिष्ट है। रुको, हमारा क्रिस्टल कहाँ है? चिंता मत करो, ये कहाँ गया? मैंने टेबल पर रखा था। ये जरूर एगमैन की ट्रिक है, हमें उसे सबक सिखाना होगा, और पहले खा लेते हैं। ठीक है,
डॉक्टर एगमैन, चलो इस बूढ़े आदमी को दिखाते हैं कि उसे हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ओह, ये अच्छा है। सोनिक, क्या तुम और सीरियस हो सकते हो? आह, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और मैं उसे पकड़ लूंगा। ठीक है एगमैन, अपनी फेयरवेल स्पीच के लिए तैयार हो जाओ। सोनिक और आमी की सुपर टीम बदले के लिए तैयार है। आमी, तुम्हारी लुक को क्या हुआ है? हम पार्टी में नहीं जा रहे। क्या, ये मेरा बैटल सूट है। ठीक है, चलो चले। रुको, फील कहाँ है? वो फ्लावर, मत करो। हे एगमैन, हमें देखने की उम्मीद नहीं थी। अब तुम बच नहीं सकते। क्या चल रहा है? तुम यहाँ कैसे आए? हो गया, पकड़ लिया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? डॉक्टर एगमैन को कोई नहीं रोक सकता। ओह नहीं, लगता है हम मुसीबत में हैं। तुम सच में गए, पहले कौन होगा? रुक जाओ आमी। ओह नहीं, मेरा हथियार इतना अच्छा नहीं है। आमी, पीछे हो जाओ। मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ से जाने का समय आ गया है। हे एगमैन, तुम्हें ये कैसा लगा? प्लीज मत करो, इसे मुझसे दूर करो। आह, बहुत बढ़िया आमी, मैंने इसे पकड़ लिया। तुम क्या करने वाले हो? हम आपको रोक देंगे, पर प्लीज। नहीं, मैं सही हो जाऊंगा। हम विलन्स नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने ठीक कहा, मैं तो विलन होने के कारण कर रहा हूँ। ये लो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सच में? शुक्रिया प्रोफेसर। बल्कि ये क्रिस्टल भी ब्लास्टर को ठीक नहीं कर सकता। हे, उदास मत हो। ये लो, मेरा हैमर लो। क्या ये सच में मेरे लिए है? मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। मुझे तुमसे गले मिलना है। तुम बहुत अच्छे हो। मैं थॉर को अपना हैमर दिखाने जा रहा हूँ। और हमें कभी किडनैप मत करना। ओह, मुझे टेक्स्ट आया है। क्या, अभी से ही? सोनिक, मुझे माफ करना, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। शुक्रिया, बाय, मिलते हैं। बाय आमी, ध्यान रखना। लगता है मैंने गलत स्टाइल चुन लिया। कितने डरावने हैं। ये विली वोंगा कौन है? देखो कितना पिंक पिंक पहना है। मैं तो इसे खाना भी पसंद नहीं करूंगा। अब मुझे समझ आया, इस स्कूल के ट्रेंड्स बिल्कुल अलग हैं। ओह क्यों नहीं, मैं सबसे कूल लड़की बनकर दिखाऊंगी। मॉन्स्टर स्कूल की सबसे बढ़िया लड़की है वेंसडे, तो मैं वेंसडे ही बनूंगी। ओह, मुझे बहुत कुछ बदलना होगा। शायद ये एक बुरा आइडिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा, काले बाल। चलो मैं कोशिश करती हूँ। यकीन है करना है? क्या काले? मैंने इस लुक को बनाने में बहुत मेहनत की थी। खैर कोई बात नहीं, मैंने खुद से नए स्कूल की सबसे मशहूर लड़की बनने का वादा किया था, तो मैं बंद कर दिखाऊंगी। और इन ब्रेड्स को खोलना आसान नहीं है, बस थोड़ा और। हाँ, मैंने कर दिखाया। अभी बस एक हुई है, ऐसे तो मैं इंडिपेंडेंस डे तक खोलती रह जाऊंगी। फ्यू, मैं थक गई, और अभी तक बाल भी डाई नहीं किए। मैं ब्राइट रंगों को पास्ट में ही छोड़ दूंगी, आगे आने वाला समय बस डार्क है, जहां मैं स्कूल की सबसे मशहूर लड़की बनूंगी। ओह हाँ, चलो कुछ बड़ा करें। मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करें। वाह, मजेदार है, पर चक्कर आ रहे हैं। ओह ओह वाह, मेरे बाल काले हो गए। और ये क्या है, जुराब? पहला काम हो गया, अच्छी शुरुआत है। वेंसडे इतनी ब्राइट नहीं होती, मुझे पेल बनना होगा। मुझे अपने चेहरे से ये सुंदर ब्लश हटाना होगा। वाह, इतनी ग्लिटर। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं एक ड्रैग क्वीन की तरह दिखती हूँ। देखो नेचुरल ब्यूटी, जैसा है वैसे। बहुत गंदा है, इससे पहले कोई मुझे देख ले मुझे ये छिपाना होगा। अब बेहतर है, और अब मैं खुद को पेल बनाने वाली हूँ, जैसे मैं बहुत बीमार हूँ। ओह बहुत ज्यादा हो गया, मैं इन आंसुओं को पेरिस के बीच स्ट्रीट शो के लिए बचा कर रखूंगी। ओह हाँ, आटा, मुझे इसी की जरूरत थी। आ, 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 आटा खत्म हो गया,
अब मुझे क्या करना चाहिए? असल में मुझे अब सफाई करनी होगी, पर पहले अपनी स्किन का कुछ करना होगा। सोलेरियम एंटी टैन मोड कभी ट्राई नहीं किया, उम्मीद है काम आएगा। क्या बात है, मैं वेंसडे से भी ज्यादा वेंसडे की तरह दिखूंगी। एक और काम हो गया। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे ये बकवास होमवर्क भी करना है। मॉन्स्टर मैथ? सब मॉन्स्टर्स के बारे में है। दिलचस्प है। और ये लोग कौन है? हे, अगर आप इन्हें जानते हैं तो कमेंट्स में बताएं। लिपस्टिक? शायद ये। नहीं, मुझे डार्क रंग चाहिए। ये नहीं चाहिए। मैं उस साल में वापस जाती हूँ जब सब ब्लैक और व्हाइट हुआ करता था। वाह, क्या बात है, एल्विस और कैनेडी अभी जिंदा है। और ये रही काली लिपस्टिक। वाह, शुक्रिया 57। बहुत अच्छा है, शुक्रिया। मैं बिल्कुल वेंसडे जैसे लिप्स बनाऊंगी। मुझे कौन सी नेल पॉलिश चुननी चाहिए? इसे ट्राई करती हूँ। ओह, या कई रंग एक साथ। ये बहुत ब्राइट है क्या? नहीं, मुझे ये नहीं लगानी चाहिए। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। आउच, मेरी उंगलियाँ। ओह, नेल डार्क हो गया। अच्छा लग रहा है, मुझे पेंट करने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल कलर है। वाह, मुझे सब पर करना होगा। वाह, डरावना है। ओह, मेरे पास ब्लैक नेल पॉलिश है और मुझे अब अपनी उंगलियों को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। बढ़िया। उप्स, मेरी नेल पॉलिश खत्म हो गई। ड्रॉर? समझ नहीं आ रहा। खैर, चलो करते हैं, वैसे भी कोई और चारा नहीं है। और इस तरह जर्सी का डेविल डोनाल्ड के नाम से प्रेसिडेंट बन गया। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? आग, आग! ओह नहीं, ओवन! मैं कुक नहीं बन सकती, पर मैं चीजें जलाने वाली जरूर बन सकती हूँ। आहा, बरीटो बर्बाद हो गया। ओह, अच्छा आइडिया है, मैं वैसे भी इन चीजों को फेंकने ही वाली थी। अब मुझे बरीटो नहीं चाहिए, मुझे काले कपड़े चाहिए। वेंसडे के स्टाइल का मोड ऑन, मुझे बस इंतजार करना होगा। वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। वाह, आखिरकार। वाह, पाई बहुत अच्छी खुशबू है, पर मुझे पाई की जरूरत नहीं है, मुझे काले कपड़े चाहिए। दोबारा कोशिश करती हूँ। चलो कॉफी पीते हैं। क्या ये धुआं है? ओह, इसका मतलब है कपड़े तैयार है। ज्यादा देर तो नहीं पक गए? ओह वाह, मैं बेक करने के लिए ही पैदा हुई हूँ। तो क्या मैं वेंसडे की तरह दिख रही हूँ? अब जूते देखते हैं। नहीं, नहीं, मुझे कुछ बेहतर ढूंढना होगा। क्या होगा? समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, जूते यहाँ क्यों होंगे? ओह, कितने बढ़िया बूट्स हैं, इन्हें ट्राई करना होगा। ओह, माफ करना। आह, हे भगवान, मेरे कमरे में ये कौन है? बहुत डरावना है, पर मुझे जूते चाहिए। मुझे वो कैसे मिलेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। क्या बात है, बिल्कुल सही साइज है, बूट्स शानदार है। ओह, क्या हुआ? मुझे ठंड लग रही है। माफ करना दोस्त, क्रॉक्स कैसे रहेंगे? इन्हें पहनो, तुम्हें पसंद आएंगे। कमाल का आइडिया है, मुझे अब इन सब मेकअप की जरूरत नहीं है। और ये भी। हाँ, मुझे जो जो पहले पसंद हुआ करता था सब फेंकना होगा। ओह, मेरी गुल्लक, इसे कैसे खोलते हैं? इसमें मिलियन डॉलर्स होंगे या उससे भी ज्यादा। ओह हाँ, इसे खोलने के लिए लाइक्स की जरूरत होती है। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मेरे पैसे मिल सके। अरे मैं थक गई हूँ, मैं जाकर कोको पीती हूँ। हे, ये क्या, मेरा फोन कहाँ गया?
मुझे याद है मैंने यही रखा था। कहाँ जा सकता है? शायद दूसरे कमरे में होगा। यहाँ नहीं है। शायद एलियंस ने अर्थ के सारे फोन चुरा लिए हैं। ओह, ये रहा। ये कैसे हो सकता है? मैं सच्चाई पता करके रहूंगी, पर पहले मैं एक केस बनाऊंगी ताकि ये खोए नहीं। हाँ, एक हाथ जैसा वेंसडे के पास होता है अपने गले में पहनूंगी। बहुत डरावना और मददगार है, वेंसडे का स्टाइल है। मैं जीनियस हूँ ना? आउच, मेरी नन्ही सी उंगली। ये क्या? अरे नहीं, ये सोची समझी साजिश है। मेरी जान लेने की कोशिश की? मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। ये क्या? कोई भावना ही नहीं, मैं संभाल सकती हूँ। मुझे पास्ट में जाकर खुद के जज्बात खत्म करने होंगे। मैं कितना मुस्कुराया करती थी, अब कोई मुस्कान नहीं रहेगी। अब बेहतर है। मुझे टेस्ट पास करना होगा, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना। हो, आसान नहीं है, बहुत प्यारी है। मुझे अपने जज्बात नहीं दिखाने चाहिए, मुझे खुद को संभालना होगा। उप्स, नहीं हो रहा, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, मुझे चोट नहीं लगी, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। आखिरी काम भी हो गया, अब मैं वेंसडे हूँ। ओह, कोई जज्बात नहीं दिखाने। खाने का वक्त हो गया है, मैं वेंसडे की तरह खाऊंगी इस पापी दुनिया की सबसे ज्यादा तीखी सॉस। आप सॉस से नगेट्स को बर्बाद नहीं कर सकते। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैं खुद को शांत रहने के काबिल बना लूंगी। वाह, मेरे पेट में आग लग गई है। आग, आग! पानी लाओ प्लीज। अब मुझे बेहतर लग रहा है। एक मिनट रुको, इसमें मछली हुआ करती थी, अब नहीं है। अब इसमें कोबरा रखेंगे। बहुत कमाल का है, किसी मछली की तरह नहीं। हाय स्कूल, वाओ, वो कूल है, कितनी स्टाइलिश है। वाओ, ये असली वेंसडे है। हाँ देखो, बेबी क्या तुम ठीक हो? मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत हुआ, मुझे वेंसडे नहीं बनना। मैं इन सब लोगों को खुश करने की कोशिश करते करते थक चुकी हूँ। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ। ओह क्या बात है, मौली गायब नहीं हुई है, वो आखिरकार कुछ मजेदार देख रही है। यहाँ धूल में बहुत सारी कूल चीजें छिपी है। जली हुई कैंडल्स बता रही है कि यहाँ अभी भी कोई रहता है। पुरानी डॉल्स मौली को डरा रही है। मौली ने एक डरावनी मूवी देखी थी जो ऐसे ही शुरू हुई थी। उप्स, ओह नहीं, दरवाजा बंद हो गया। ये बिल्कुल डरावनी मूवी की तरह है। बेटी की चीख सुनकर डैडी भागते भागते आए, वो उसे दोबारा नहीं खो सकते। पर मौली खाली मैंशन में फंस गई है। वो चाहे दरवाजे को कितना भी खोलने की कोशिश कर ले, पर ये नहीं खुलेगा। ये एस्केप रूम की तरह है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ गई थी। आपको सारी चाबियाँ ढूंढनी है और दरवाजा खुल जाएगा। ये रही पहली। मौली की उंगलियाँ बहुत छोटी हैं। उसे अपने सारे नेल्स नहीं खाने चाहिए थे। ये जगह बहुत गंदी है। उसने कूड़ा साफ कर दिया और रूम अब क्यूट बन गया है, पर वो अब भी यहाँ नहीं रहना चाहती। एंग्री डॉल्स उसे घूर रही है और मौली को भी लग रहा है कि यहाँ कोई तो है। ये जरूर एस्केप रूम का होस्ट होगा। इस गंदे बॉक्सेस में 90s का बहुत सारा सामान है। उम्मीद है इनके मालिक ये स्कल्स ना हो, इनमें से कुछ काम आ सकते हैं। क्रिसमस लाइट्स जो लैंडलॉर्ड ने कभी लगाई ही नहीं, मौली ने लगा दी। हॉलीडे स्पिरिट एंजॉय करने के लिए आपको दिसंबर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मौली ने होस्ट को पकड़कर उससे सारी चाबियां लेने का फैसला किया। डैडी ने अपनी बेटी को क्रॉफ मगा सिखाया था, इसमें दर्द होगा। क्या आपने कुछ देखा? कमेंट करके मौली को बताएं कि वो इंसान कहाँ छुपा है।
डैडी को स्ट्रेस से भूख लग गई और उन्होंने विंग्स मंगवा लिए। हर कोई मुश्किलों का सामना अपने तरीके से करता है। खाने की खुशबू से मौली को याद आया कि उसे कितनी भूख लगी है। उसका पेट चीख चीख कर बोल रहा है, मुझे खाना दो। डैडी खुशी खुशी अपना लंच शेयर करेंगे, पर वो दरवाजे में से अंदर नहीं जाएगा। विंग्स बहुत बड़ी है पर बोन सही है। इस तरह वो अपने बचपन के डॉग को खिलाया करते थे। वो उससे बहुत डरते थे, इसलिए कभी उसके कमरे में नहीं गए। मौली डॉग नहीं है और वो बोन से खुश नहीं है। बेटी को अपने फादर की दरिया दिली पसंद नहीं आई। वो उसे कुछ भी दे सकते हैं। इस तरह वो उसे प्यार जताते हैं। ये सब सही है पर उसे अभी भी भूख लगी है। घर कैसे हिल रहा है? क्लोज़ेट में पक्का कोई है। बाहर आओ, चलो। हे, स्केलेटन भी मौली से उतना ही डर रहा है जितना वो उससे डर रही है। यहाँ पक्का कोई और भी है। ओह, हेलो हैंडसम, क्या यहाँ अक्सर आते रहते हो? मौली को ब्रेक चाहिए। हे, अपने हाथ दूर रखो दोस्त। जब सब यहाँ से जा रहे थे तब बटलर यही रह गया था। वो एक डॉग की तरह है जो अपने मालिक के वापस आने का इंतजार कर रहा है। वो असल में अच्छा दिखता है। उसके पैरों के नीचे वो क्या है? ये मजेदार रग है। ये तो बटलर से भी क्यूट है। माफ करना दोस्त। कलर अच्छा नहीं है, ऐसे पकड़ के रखो, ये बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तुम इसे रग की तरह नहीं बल्कि एक टेबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये जगह घर जैसी लगने लगी है, पर एक और परेशानी है। हालांकि लड़के के गोल्डन हाथ कोई बड़ी बात नहीं है। उसी दौरान डैड घबरा गए और उन्होंने पुलिस बुला ली। शेरिफ कायली के पास काफी समय से बड़ा केस नहीं आया है। मिसिंग गर्ल को ढूंढना उसकी खासियत है। बदकिस्मती से रास्ते में कोई निशान नहीं है। उसका मेंटोर पुलिस डॉग था, उसने उसे सब सिखाया है। इस तरह कायली मौली के डैड के पास पहुंच गई। जबरदस्ती घुसने की कोशिश लगती है। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो मिस्टर।